नमस्कार दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुनील डोगरा। बात की जाए इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने जिला सांबा से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि सांबा जिला के रामगढ़ इलाके से एक दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ से ये खबर आ रही है कि एक पति ने जो है अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है और बताया ही जा रहा है कि पत्नी की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। और जिस तरह से ये मामला पूरा सामने आ रहा है, आपको बताते चले कि खबर क्या है। खबर जो है कुछ देर पहले फ्लैश हुई है रामगढ़ इलाके से। यहां से अपडेट निकल के आ रही है कि एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। अब इसके पीछे की क्या कारण है, इसको पीछे जो है अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन अभी मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। और बताते चले उसी के साथ साथ आपको बता दें कि पूरा मामला इन्वेस्टिगेट किया गया है कि और इसमें जो चीजें सामने आ रही है अभी तक की, ऐसा लगता है कि आपसी विवाद हुआ होगा, उसके बाद ही जो है बात इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि जिस तरह से पति ने जो है तेज धार हथियार से पत्नी के ऊपर हमला कर दिया और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। एक बड़ा ही दुखद खबर समाचार सामने आया है। और पहचान जो है वो बताते चले, जो मर चुके हैं जो उसकी पत्नी है उसकी जो पहचान सामने आई है वो आपको बताते चलते हैं। रिम्पी चौधरी, डॉटर ऑफ श्यामलाल चौधरी, वार्ड नंबर 2 रामगढ़ की रहने वाली है। उम्र 27 वर्ष की बताई जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि इस जो आरोपी पति का जो नाम है सुनील कुमार, सन ऑफ दर्शन लाल के नाम से सामने आई है। और फिर से बताते चलते हैं उसकी जो पहचान है, आपको बताते चले कि जो आरोपी पति का नाम है सुनील कुमार, सन ऑफ दर्शन और उम्र 30 वर्ष, त्रिंडी मोड़ रामगढ़ के रूप में आरोपी पति की जो पहचान है वो सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। और लेकिन अभी जो है कुछ देर पहले की अपडेट निकल के सामने आई है कि जो पत्नी है जो मर चुकी है रिम्पी चौधरी जो है, इनका जो शव जो है वो पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन मौके पर पुलिस पहुंची है और पूरा मामला इन्वेस्टिगेट कर दिया गया है। कोशिश की जा रही है, एफएसएल की टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है, क्राइम टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई है। लेकिन पूरी तमाम जो है जो पूरे प्रूफ इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि आरोपी पति को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये जो आपसी विवाद जो है जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि इस कदर बात बढ़ चुकी है कि पति ने जो है जो आपको बताते चले सूत्र घिनौना स्टेप ले लिया गया है, पत्नी को जो है उसको मौत के घाट उतार दिया गया, तेज धार हथियार के साथ हमला कर दिया गया है। और सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि शायद जिस तेज धार हथियार से हमला किया गया वो हथियार जो है वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में जो है वो ले लिया गया है। और अभी की जो है ये जानकारी जो है वो जिला सांबा के रामनगर रामगढ़ इलाके से जो अपने पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया है। हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस तरह से ये जो इस आरोपी पति की बात करें तो इसने जिस तरह से अपनी पत्नी का मर्डर किया है, हत्या कर दी गई है, तो वहीं पे बताया ही जा रहा है कि गला जो है पूरा काट दिया गया है। जो पति है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आई है, जो पति है उसने जिस तरह से अपनी पत्नी को मार दिया है, गला काट दिया गया है। लेकिन बताते चले अब इंतजार ये करना होगा क्या कुछ और इसमें चीजें जो है वो सामने आती। पुलिस अपनी कार्रवाई जो है कर रही है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे इलाके की बात करें तो वहां पे एक हड़कंप सा मच गया है। ये जो त्रिंडी मोड़ इलाका है रामगढ़ थाना क्षेत्र की बात करें तो यही पर ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। यहाँ पर एक पति जो है अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया है, हत्या कर दी गई तेज धार हथियार के साथ। इसके पीछे क्या कारण है अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक जांच का विषय है, एक बहुत बड़ा पूरा मामला सामने आया है। क्योंकि क्राइम के हवाले से बात करें तो क्या कुछ इसमें और डिटेल सामने आती है, लेकिन एक बड़ा ही दुखद समाचार जो है वो निकल के सामने आया है। जो पत्नी जो है जिसकी हत्या कर दी गई है उसकी पहचान जो है फिर से बताएंगे, रिम्पी चौधरी, डॉटर ऑफ श्यामलाल चौधरी, वार्ड नंबर 2 रामगढ़, उम्र 27 वर्ष की है इस रिम्पी चौधरी की, जो कि जिसकी मौत हो गई है, इसकी पहचान जो है रिम्पी। और आरोपी पति की पहचान फिर से बताएंगे, सुनील कुमार, सन ऑफ दर्शन लाल, उम्र 30 वर्ष और त्रिंडी मोड़ रामगढ़ के रहने वाला है। और एफएसएल की टीम मौके पर है, जम्मू कश्मीर की टीम मौके पर है, उसी के साथ साथ क्राइम की टीम जो है वो पूरी मौके पर है। पूरा मामले का संज्ञान लिया जा रहा है कि इस आरोपी के पति को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम ये जो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, क्या कुछ इसमें चीजें सामने आती है अब ये देखना होगा। फिलहाल अभी के लिए यही है कि एक दुखद समाचार निकल के सामने आया है। और अब बात की जाए इस तरह के जो
काम किया गया है और ये एक घिनौना अपराध जिस तरह से इसने किया गया है, इसके पीछे अब जो है बात की जाए कई चीजें जो है वो देखनी है और पुलिस जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही, शुरू कर दी गई है, इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आती है अब देखना ये होगा और इसमें कारण क्या रहे हैं जो इतना विवाद बढ़ चुका कि जो विवाद इस हद तक पहुंच गया कि पति ने अपनी पत्नी का गला काट दिया, तेज धार हथियार से उसकी हत्या कर दी, गला काट दिया गया, तमाम चीजें जो है वो सामने आई है। लेकिन कारण क्या है ये एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन की टीम पूरा कोशिश कर रही है कि क्या है क्या नहीं। और अभी की खबर यही है सांबा के रामगढ़ में पति ने उतारा अपनी पत्नी को मौत के घाट। तब तक के लिए देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज, सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।